दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल प्रमोशन चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S20। इसमें फ्रेंड्स 5G नेटवर्क आते हैं और फ्रेंड्स यहां पर मुझे आज दिक्कत हो रही है, यहां पे 5G नेटवर्क नहीं आते हैं, यहाँ पर 4G नेटवर्क आ रहे हैं। मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपका फ्रेंड्स फ्री वाला 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप तीन सेटिंग ऐसी करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, जिससे कि आपके मोबाइल में 5G नेटवर्क आने लगेंगे। अब फ्रेंड्स पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर हमें थैंक्स ऐप में जाके एक्टिवेट करना पड़ता था 5G नेटवर्क, लेकिन फ्रेंड्स अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर हमें एक्टिवेट वहाँ से नहीं करना है, अपनी सेटिंग में से ये छोटी छोटी सेटिंग्स करनी है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे 5G नेटवर्क आ जाएंगे। तो वीडियो को हमारे इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर हमेशा ही मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखेगी, उसी में आपको देखकर अपने मोबाइल में सेटिंग करनी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है और फ्रेंड्स इसमें 5G नेटवर्क आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर 5G नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मैं जाता हूँ सबसे पहले थैंक्स ऐप में। ये देखिए यहाँ पे थैंक्स ऐप, यहाँ थैंक्स ऐप को मैंने ओपन कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ से हमें 5G एक्टिवेट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी कोई सेटिंग यहाँ से नहीं करनी है, हमें अपने मोबाइल की सेटिंग में जानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं सेटिंग में जाता हूँ, देखिए ये रही सेटिंग, यहाँ से सेटिंग पर क्लिक किया और मैं चला गया यहाँ से सेटिंग में। यहाँ पे आपको दिखेगा कनेक्शन, कनेक्शन में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए अपने मोबाइल नेटवर्क में आ जाना है। तो फ्रेंड्स आपका कोई भी मोबाइल है, चाहे सैमसंग का हो, ओप्पो, वीवो, रियलमी या कोई भी हो फ्रेंड्स, उसमें आपको अपने नेटवर्क सेटिंग में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पे 5G LTE, 3G, 2G और नीचे आ रहा है LTE, 3G, 2G आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरा मोबाइल यहाँ पे 4G पे सेलेक्ट है, इसे 5G पे कर दूंगा और देखिए यहाँ पे ये 5G पे नहीं हो रहा है, इसमें और कोई दिक्कत है। तो यहाँ से बैक करेंगे फ्रेंड्स, बैक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड्स मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सेस पॉइंट नेम में जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स इधर 3 लाइन दिखते हैं, 3 डॉट दिखते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे। अब भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 4G नेटवर्क आ रहे हैं, यहाँ पे 5G नहीं हुआ डिफ़ॉल्ट। ये सब करना है फ्रेंड्स आपको, इसके बाद आपको बैक कर देना है और यहाँ पे एक सेटिंग को सर्च करना है और इस सेटिंग का नाम है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च करना है पावर, और पावर यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ आपको दिख जाएगा पावर सेविंग, पावर सेविंग पे जाएंगे और फ्रेंड्स इसको ऑफ़ कर देंगे। पावर सेविंग को आप जैसे ही ऑफ़ करेंगे यहाँ पे देखिए 5G नेटवर्क, इसी से ख़राबी थी, यहाँ पे ये ऑन कर दिया था या किसी ने कर दिया हो, फ़ोन पड़ा रहता है। तो यहाँ पे पावर सेविंग देखिए ऑन ऑफ़ करके आप देखेंगे तो उसी से आपका 4G और 5G नेटवर्क आएंगे। जैसे ही आप पावर सेविंग यहाँ पे बंद कर देंगे आपके मोबाइल में 5G नेटवर्क आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।